हमारे पास अपशिष्ट सामग्री का बड़ा उत्पादन होता है। पुनर्चक्रण द्वारा उत्पादित उत्पाद ताज़ा सामग्री की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध होता है। आइए इन पेपर रिसाइकलिंग व्यवसाय में से एक से किए गए पेपर एक ट्रे परिवर्तनों पर एक संक्षिप्त नज़र डालें। पोल्ट्री व्यवसाय अब फलफूल रहा है। इस व्यवसाय से प्राप्त अंडों को संभालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंडों की ट्रे का उपयोग पोल्ट्री व्यवसाय में अंडों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। प्लग एक ट्रे का इस्तेमाल छोटी छोटी दुकानों, मॉल्स, होटल जैसे कई जगह पर किया जाता है ताकि वे फूटे नहीं। आज प्लास्टिक ट्रे को बदलने के लिए लुगदी ट्रे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन ट्रे को प्राकृतिक अवयवों को मिलाकर बनाया जाता है और उसका विघटन भी आसान है। पल्प एक ट्रे वजन में हल्की, टिकाऊ और सस्ती होती है। इसे बनाने में वेस्ट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस, सभी बेकार कागज को पहले एकत्रित किया जाता है और काटने की मशीन से काटा जाता है। वे सभी बेकार कागज को लुगदी मशीन में फेंक कर पीसते हैं, फिर एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाकर गाढ़ा गुदा तैयार किया जाता है, जो धूल, स्याही और अन्य अपशिष्ट अलग करे और फर्म से स्टोर कर ले। इस लुगदी को मोटर और पाइप की सहायता से मोल्डिंग मशीन में भेजा जाता है। तैयार पल्प को मोल्डिंग मशीन में डालकर ट्रे का आकार दिया जाता है। पल्प एक ट्रे को ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है। अंत में ट्रे को 12, 20, 24 ट्रे में पैक किया जाता है और पोल्ट्री फार्म, खुदरा विक्रेताओं, मॉल और बाजारों में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। हम इस व्यवसाय को 2 या 3 श्रमिकों की मदद से शुरू कर सकते हैं और एक दिन में 8,000 ट्रे बना सकते हैं। आज जैसे जैसे अंडे की मांग हर जगह बढ़ती जा रही है, वैसे ही ट्रे की मांग भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार आज हमने एक ट्रे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जानकारी हासिल की। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए दोनों वेबसाइट पर विजिट करें या नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मेडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।